जी बताइए आप कि अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव आने वाले दिनों में तो किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है आपको? मेरे को तो लगता है कि फिर दोबारा कांग्रेस सरकार आ सकता है। अच्छा जी, तो क्या क्या विकास काम हुआ है? आप एक खुद सरपंच प्रतिनिधि हैं नानक सागर के, आपके गांव में अब क्या क्या विकास हुआ, मेरे आपके गांव में कार्यकाल जो में? भी विकास कार्य हुआ है, जी सीसी रोड दो तीन जगह हुआ है जी और नरवा का भी काम हुआ है, नाडेप टैंक का भी काम हुआ है और बाकी ऐसे बिल्डिंग वगैरह काम भी, मुर्गी सेट है, मशरूम सेट है, गोठान है, इससे हुआ है। तो कांग्रेस के कार्यकाल से मतलब ग्रामीण लोग कितना खुश हैं, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत लोग खुश भी हैं और जो भी ये हैं वो तो अच्छा, हम लोग बसना जी विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। कौन कौन नेता लोग जनसंपर्क में हैं इस क्षेत्र में, नानक सागर क्षेत्र में, गढ़पुर क्षेत्र में? जनसंपर्क में तो ऐसे ज़्यादातर अधिकतर देखने को मिल रहा है कि संपत अग्रवाल है। अच्छा जी, हाँ वो जनसंपर्क में दिख लेकिन रहे हैं। हाँ आप सर्वपंच प्रतिनिधि हैं, अपना वर्तमान विधायक के बारे में कुछ बताएंगे, क्या उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? कितने बार इधर जनसंपर्क में आए हैं? 4 साल लगभग पूरा होने को है उनका कार्यकाल। नहीं, जनसंपर्क में तो अभी नहीं आए हैं लेकिन उनके कार्य से संतुष्ट हैं। अच्छा, विधायक मत से क्या क्या मिला आपके गांव? विधायक मत से 2 CC रोड मिला है अच्छा, 2 2 बस सीसी रोड मिला है। जी। परिचय बताएंगे सर आप? मैं सुवर्धन प्रधान, पूर्व सरपंच हूँ जी। तो क्या लग रहा है, किसका माहौल चल रहा है इधर नानक सागर तरफ? नानक सागर तरफ तो अभी जो राज्य पिछले समय में रमन सिंह सरकार ने जो घोषणा किया था, कुछ उसमें हाँ कमियाँ रही इसलिए हारा, और अभी बहुत सारा घोषणा कर दिया भूपेश बघेल, उसमें जीता, तो बहुत सारा उसका अमल नहीं किया है। शराबबंदी करूंगा बोला, नहीं किया। ये केंद्र से पैसा दे रहा था मकान, उसका नहीं दिया। और पेंशन दूंगा बोल कर 7,000 वालों को, 700 वालों को 1,000, 1,500 दूंगा बोला, 300 वालों को 1,000 दूंगा बोला। गरीबों का हमेशा पेट मारने में इसका माहिर है और ये घोषणा वीर भर है, इसलिए इस समय में ऐसा नहीं लग रहता है, नहीं लग रहा है कि पूरे घोषणा को अमल नहीं कर पाया है, कि वो पूर्ति नहीं कर पाया है, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य जो धान में की खरीदी हो रहा है वो एक बड़ा मुद्दा है जी, है कि ये तो 2200, ये 2500 दे रहा हूँ बोल रहे हैं, ये भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। मात्र ये 600 रुपया दे रहा है, अभी जो 2800 बोल रहा है वही 600 रुपया दे रहा है, वो बढ़ा तो नहीं रहा है। 2200 रुपया केंद्र सरकार दे रहा है और 600 रुपया दे रहा है तो 2600 दे रहा है, वो नहीं बता रहा है, छिपा रहा है कि 2200 को छिपा रहा है, केवल 600 को फोकस कर रहा है। इसकी इस फोकस को भाजपा वाले आएंगे और उसका पर्दाफाश करेंगे और गरीब के सामने जाएंगे। गरीब को जो मकान मिल रहा था, गरीब लोगों को मिल रहा था, जो मिट्टी का मकान है उसको मिल रहा था, उसमें क्या दर्द हुआ जो कांग्रेस सरकार उसको बंद कर दिया। बहुत सारा बीजेपी ने उसके हड़ताल किया, उसके लिए धरना प्रदर्शन किया, तभी अभी दे रहा है। तो केंद्र सरकार की जितना योजना है सब यहाँ बंद कर रहा है। ये नहीं बता रहा है कि नल जल योजना, पानी टंकी वाला, स्वच्छ पानी मिशन जो चला रहा है, ये शौचालय जो चला रहा है, केंद्र से जितना पैसा आ रहा है उसका ये 10 पैसा भी दे नहीं पा रहा है, लेकिन लाभ लेने के ठग के जनता को ये सरकार हासिल करने के पिछले समय जैसा चाह रहा है, ऐसा इस समय ऐसा नहीं है। जनता जागरूक हो चुके हैं, जनता समझ चुके हैं कौन किसका आगे ले जा सकता है, किसका फायदा हो सकता है, इसके बारे में जनता बहुत शिक्षित हो चुके हैं, आगे हो चुके हैं, पिछले जैसा नहीं रहेगा। अच्छा, बसना विधानसभा चुनाव की बात करेंगे बसना विधानसभा बोलने से तो अभी जनसंपर्क में बोलने से एक्का दुक्का ऐसा कोई आते होंगे तो किसी को मालूम है, किसी को नहीं है। सक्रिय बोलने से संपत अग्रवाल जो नीलांचल समिति से काम कर रहा है वो सामने आ रहा है, उन्हीं का सभी तरफ बोलबाला चल रहा है। बाकी वक्त तो बताएगा, पिछले समय घोषणा में जीते थे, किसका घोषणा क्या रहेगा, परिस्थिति क्या होगा, वही बताएगा। लेकिन आप बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पहले से, बहुत पहले से आप जुड़े हुए हैं, क्या लगता है संपत अग्रवाल को टिकट मिलेगा?
अभी तो टिकट के बारे में बहुत छानबीन हो रहा है, जिस जो जीतेगा उसी को मिलेगा, संपत अग्रवाल ऐसे ही है लाइन में, लेकिन और सारे बहुत सारे लोग भी हैं लाइन में। जैसे कि कौन कौन है नाम में जो जनसंपर्क में है? जनसंपर्क में बोलने से तो रूप कुमारी चौधरी है, ये कुलता समाज से जगदीश प्रधान है, आपका मथामणि है, कीर्तन साहू हैं, तो किसी को भी मिल जाए ये लड़ने के लिए तैयार है और सामने आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। अभी कांग्रेस के कार्यकाल तक कितना विकास हुआ आपके गांव में? आप तो खुद पूर्व सरपंच हैं। अभी पहले जैसा तो विकास कार्य नहीं हुआ है जी, और ये धान और कर्जा मुक्त के नाम से लोग किसान पलटी किए हैं, और देखो बीजेपी और इसमें घोषणा पत्र में क्या हो सकता है, तो उसमें भी कोई कहा नहीं जा सकता, आगे कुछ भी हो सकता है। वो जितना वादा किया विकास, जितना गरीबी जो है रमन सिंह सरकार में हटा है, गांव-गांव में विकास जो है रमन सिंह सरकार में है, जो भूती बानी करने जाते थे एक बेल भोकर रहते थे ये सब खत्म कर दिया चौरवाड़ा बाबा के नाम से, तो इसलिए गरीब संतोष थी। सिर्फ अभी भी के चावल में घोटाला भी तो हुआ, चावल में तो घोटाला अभी केंद्र से जितना मिला है सबसे ज़्यादा तो कहाँ केंद्र सरकार कार्यकाल में भी हुआ था, भी हुआ था अलग बात है, लेकिन यहाँ तो भी हो रहा है, उसको भी आप छापिए ना कि केंद्र से जितना कोरोना काल में आया था उसको ही दिया है, उनके उसके चावल को रोक दिया है, तो घोटाला सबसे ज़्यादा तो ये भूपेश बघेल में हुआ है गरीबों के प्रति। गरीब अभी भी नाखुश हैं, किसान भर संतुष्ट हैं, बाकी गरीब अभी भी नाखुश हैं, उनका घर छीन लिया, उनका केंद्र से मिला चावल छीन लिया, उनका पेंशन छीन लिया, वो जो गरीब तत्व के लोग शराब पीकर जो पूरा बनीभूति को पी जाते हैं उसका बंद करने के लिए बोला था उसको नहीं किया, माँ बहन के प्रति जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहा है, तो इसलिए भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में बढ़ते जा रहा है। नौकरी चाकरी भत्ता देने के लिए बोला था, कोई भत्ता वत्ता कोई हुए नहीं है, दो चार लोगों को दे दे रहा है और बस ढोकला सही है। और गरुआ नरुआ में जो चाह नहीं रहा है उसको भी खाद तो है नहीं, कहीं पर गोगुठान है नहीं, पूरे पंचायत का पैसा को नरुआ घरुआ में लगा दिया, जिसमें कि किसी को फायदा डायरेक्ट नहीं हो रहा है, मिट्टी को बेच रहे हैं, खाद भी नहीं बेच रहे हैं। हाँ, रासायनिक खाद लेने जाते हैं सोसाइटी तो वहाँ पर खाद लेना जरूरी है, तो खाद नहीं रहता मिट्टी रहता है, वो कई बार उसका पेपर में मीडिया माध्यम से उसका उछाल चुके हैं, उसके बाद भी उनका काम नहीं सुन रहा है, तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जी आपका क्या नाम? मेरा शुभ नाम सुखदेव बारिक है। अच्छा, कौन से गांव से हैं आप? मैं ग्राम पंचायत नानक सागर से हूँ। पूर्व पंच हूँ। हाँ, कितना विकास हुआ आपके गांव में कांग्रेस कार्यकाल में? कांग्रेस कार्यकाल में मेरा जानकारी के हिसाब से मैं जितना जा रहा हूँ, जितना देख रहा हूँ, सीसी रोड पास हुआ था विधायक मत से, उसी को जान रहा हूँ। और वर्तमान क्या हालात है गांव में? नल जल का अभी बेहाल है, जहाँ भी पानी का व्यवस्था तरस नर्स है, पानी जहाँ बोर से सिंचित था अभी बंद पड़ा हुआ है, एका दुका जो सप्लाई वाला चल रहा है, और पूरे गांव के 5 साल पूर्व पूरा गांव को पानी मिलता था, अभी कोई मोहल्ला में पानी मिल रहा है, कोई मोहल्ला में नहीं मिल रहा है। अच्छा, बसना विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। बसना विधानसभा चुनाव में के बारे में मेरे जानकारी और मेरे हिसाब से मेरे को ये उम्मीद लग रहा है कि भूपेश बघेल फिर एक बार सरकार बनने का उम्मीद संभावना लग रहा है। अच्छा, बसना भी मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे ऐसे कहना है आपको? जी। अच्छा, बीजेपी के पत्रकार प्रत्याशी लोग कौन कौन जनसंपर्क में जीतते हैं आपको? बीजेपी में अभी तो जनसंपर्क में अधिकांश करके संपत अग्रवाल दिख रहे हैं। और कांग्रेस से राजा जी के सिवा कोई नाम दिखता है क्या? कांग्रेस से तो ऐसे और जानकारी नहीं है राजा के सिवाय। तो अगर बीजेपी से संपत अग्रवाल जी को टिकट मिलता है तो आप चुनाव को किस तरह देखते हैं? क्या कड़ा मुकाबला होगा? हाँ, कड़ा मुकाबला होगा। कौन किसको टक्कर दे सकता है? देखो, अगर बीजेपी से संपत अग्रवाल को टिकट मिलता है तो शायद मेरी जानकारी के हिसाब से संपत अग्रवाल बीजेपी से जीत सकते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण आर्य है। हम लोग सीधा बसना विधानसभा चुनाव की सवाल पूछेंगे आपसे। हाँ, कौन कौन नेता लोग जनसंपर्क हैं, चाहे वो कांग्रेस से हैं या बीजेपी से हैं?
कांग्रेस से तो कोई विधायक अभी वर्तमान में कोई जनसंपर्क के लिए नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो मेरे हिसाब से बहुत जने लगे हुए हैं जनसंपर्क में, और हमारे यहाँ स्थानीय मुद्दा उठा हुआ है इस बार बसना में। संपत अग्रवाल जी हैं, बीजेपी में शामिल हैं या नहीं है उतना तो मेरे को मालूम नहीं, मैं आम नागरिक हूँ। यहाँ से महिला में वृंदावती सोमनाथ पांडे हैं, एक पीरदा से हैं आपका बसंती प्रधान, और जगदीश प्रधान हैं, जुगल किशोर प्रधान हैं, ये लोग सर जनसंपर्क में लगे हुए हैं बीजेपी की ओर से। तो क्या लगता है आपको बीजेपी को किसका मौका देना चाहिए? बीजेपी में जो जनता का भलाई करे, जो अब जनता का राय तो अपन नहीं बोल सकते, एक आदमी है ना आप किस, लेकिन मेरे हिसाब से बसना विधानसभा से महिला कैटेगरी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर बार महिला कैटेगरी ही जीत के आई है बीजेपी तरफ से। डॉक्टर त्रिविक्रम भोई भी शायद एक बार विधायक बन के आए थे। हाँ, बन के आए थे, आपका कहना सही है, लेकिन अधिकतर महिलाएं ही यहाँ जीत के कांग्रेस को हरा चुकी हैं। मेरे हिसाब से महिला को ही मिलना चाहिए, महिला प्रत्याशी को।